अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की और सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस की, और देखेंगे इन दोनों मोबाइल फोन में सैमसंग ने क्या डिफरेंस किया है एक साल में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन की बॉडी की। बॉडी में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में आपको फ्रंट और बैक ग्लास का मिलता है, और इस पर आपको ग्रीला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, और इसका फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, और इसका वजन आपको 186 ग्राम तक का मिलता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में आपको फ्रंट ग्रीला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, और इसका बैक आपको ग्रीला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, और इसका फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, और इसका वजन आपको 175 ग्राम तक का। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में आपको डायनामिक एमुलेट स्क्रीन मिलती है 6.7 इंचीज की पंच होल डिस्प्ले के साथ, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5%। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में भी आपको डायनामिक एमुलेट स्क्रीन मिलती है 6.4 इंचज की पंच होल डिस्प्ले के साथ, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.9%। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में आपको एंड्रॉयड 10 और वन यू आई 2 की सपोर्ट, और इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो एक्जोनॉस 990 है ग्लोबली और स्नैपड्रैगन 865 है USA, और दोनों ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस सेम है और 5G बेस्ड है। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में आपको अपग्रेड एंड्रॉयड 10 और वन यू आई 2 की सपोर्ट मिलती है, और इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो एक्जोनॉस 9820 ग्लोबली है और स्नैपड्रैगन 855 USA में। इसके बाद बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फोन की सिम स्लॉट की और मेमोरी की। सबसे पहले बात करते हैं सिम स्लॉट की। तो सिम स्लॉट में देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल फोन में आपको शेयर सिम स्लॉट मिलती है, यानी आप एक वक्त में दो सिम या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट की ऑप्शन 1 TB तक है। इंटरनल में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में आपको 4 वेरियंट मिलते हैं, एक 128 GB 8 GB रैम वाला, एक 128 GB 12 GB रैम वाला, एक 256 GB 12 GB रैम वाला, और एक 512 GB 12 GB रैम वाला। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, एक 128 GB 8 GB रैम वाला, एक 512 GB 8 GB रैम वाला, और एक 1 TB 12 GB रैम वाला, और एक 1 TB 12 GB रैम वाला। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के कैमरा की। तो कैमरा में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में जो कैमरा इस्तेमाल है वो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इसका मेन कैमरा आपको 12 MP का मिलता है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 64 MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है, 3x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम वाला, और एक डेप्थ वीएन कैमरा मिलता है। और सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो वो आपको 10 MP का मिलता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका मेन कैमरा आपको 12 MP का मिलता है, 12 MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, और 16 MP का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका मेन कैमरा आपको 10 MP का मिलता है, और इसके साथ आपको 8 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन की बैटरी की। तो बैटरी में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है 25 W की फास्ट चार्जिंग के साथ। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती है 15 W की फास्ट चार्जिंग के साथ। और इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में और सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस दोनों ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है अल्ट्रासोनिक वाला। और इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के कलर की। तो कलर में देखा जाए सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस में आपको 3 कलर मिलते हैं, एक कॉस्मिक ब्लैक, एक कॉस्मिक ग्रे और एक क्लाउड ब्लू। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस में आपको 6 कलर मिलते हैं, एक प्रिज्म वाइट, एक प्रिज्म ब्लैक, एक प्रिज्म ग्रीन, एक प्रिज्म ब्लू, एक कैरामिक वाइट और एक कैरामिक ब्लैक। और इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन की प्राइस की। तो प्राइस में देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की जो पाकिस्तान में प्राइस होने वाली है वो 1,84,999 रुपीज़ है 128 GB 8 GB वाले वेरियंट की। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी S10 प्लस की जो पाकिस्तान में प्राइस है वो 1,64,999 रुपीज़ है 128 GB 8 GB रैम वाले वेरियंट की। और इसके बाद बात करते हैं कौन सा मोबाइल फोन दोनों में से जीता और कौन सा मोबाइल फोन हारा। तो डेफिनेटली सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस ने ही जीतना है, क्योंकि दोनों ही मोबाइल फोन सैमसंग के और S20 प्लस जो है लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है। और अब मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से आपने अगर कोई मोबाइल फ़ोन लेना पड़े तो आप कौन से वाला मोबाइल फ़ोन लेना पसंद करेंगे। डेफिनेटली सब S20 प्लस ही लेना पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपके ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।